बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम फोर वेरिएबल का मैप देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम उसमें ग्रोथ बनाते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से थ्री वेरिएबल कार्नो मैप रिजॉल्व करते हैं। कार्नो मैप होते किस लिए, जैसे हमने पहले भी कहा, ये बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के काम आता है। इसकी बहुत सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आइए सबसे पहले तो हम जल्दी से देख लेते हैं कार्नो मैप फिल कैसे होगा। तो अब यहाँ जीरो जीरो है, ये जीरो जीरो है, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो 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 जीरो, और ये क्या बन जाएगा, जीरो 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 वन, ये जीरो जीरो वन वन, और ये जीरो जीरो वन जीरो। अब ये जीरो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन, ऐसे करके हम चल रहे ना, वन 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 जीरो, फिर ये इस तरह होगा क्रॉस इसको हो रहा है इस तरह, वन जीरो 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 वन जीरो इसका, और फिर ऊपर का जीरो जीरो, फिर वन जीरो, और फिर ये जीरो वन वन जीरो वन 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 जीरो वन जीरो। जो चीज़ यहाँ पे अभी आप सोचने की है, देखने की है, वो क्या है, वो ये है कि अगर आप इसको नोट करें कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि हर खाना जो है, जो उसका एडजेसेंट खाना है, उसमें डिफरेंस वन का होता है। इसमें और इसमें देखें डिफरेंस कितने का, वन का। इसमें इसमें जाएँ वन का डिफरेंस देखेंगे, ये वाला डिफरेंस के अलावा और कुछ नहीं। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वन का डिफरेंस है, इधर भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें इसमें किसका डिफरेंस है, ओनली वन का डिफरेंस है कि यहाँ पे ये वन है। इसी तरीके से यहाँ चले जाएं आप, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, वन का डिफरेंस है। इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है, वन का डिफरेंस है। यहाँ वन जीरो वन वन है और यहाँ क्या, वन जीरो वन जीरो, यानी इस जीरो की जगह, और यहाँ पे क्या, ये चेंज हुआ था। तो कहने का मकसद, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक खाने से दूसरे खाने में एक वन का डिफरेंस आता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ऊपर से नीचे आए तो भी आपको यही महसूस होगा कि हर खाना जो नीचे वाला खाना है उसमें क्या है, वन का डिफरेंस है, यानी एक बिट ज्यादा होगी इसमें। यहाँ चार बिटें हैं ना, और उसमें एक बिट तीसरी क्या है, वन है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी चार बिट है, लेकिन क्या, यहाँ पे एक वन है ज्यादा है। तो हमेशा डिफरेंस क्या हुआ, एक वन बिट का ज्यादा होगा। फिर इधर चले जाएंगे, फिर एक वन बिट का डिफरेंस होगा, फिर एक वन का बिट का डिफरेंस होगा। अब यहाँ से ऊपर चले जाए आप तो भी क्या होगा, अब यहाँ से ऊपर भी जाए तो क्या, एक बिट का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी एक बिट का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी एक बिट का डिफरेंस आ रहा है। और अगर ऐसे भी यहाँ से राइट से लेफ्ट भी चले जाए तो भी ऐसी, इसमें और इसमें क्या, वन का डिफरेंस है, इसमें इसमें क्या, वन का डिफरेंस है। तो कोई भी खाना जिसको आपको ग्रुप बनाना है, क्योंकि यहाँ एक्चुअली होता है कि आपको ग्रुप्स बनाने होते हैं, तो ग्रुप्स बनाने में क्या है, आप उन खानों को ही ग्रुप बना सकते हैं जो एक दूसरे के एडजेसेंट है। अच्छा भाई ठीक है बात, लेकिन क्या ऐसे डायगनली हो सकता है काम? ऐसा डायगनली नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे डायगनली अगर आप जाएंगे तो क्या डिफरेंस एक बिट का नहीं है, इसलिए नहीं होगा ये। अच्छा भाई ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास, मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे ये इस तरह है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये चार वन एडजेसेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इनका ग्रुप बना सकता हूँ, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ऐसा हो तो क्या मैं ऐसा ऐसा बना सकता हूँ ग्रुप, आठ का ग्रुप बना सकता हूँ। लेकिन जो ग्रुप्स बनेंगे मेरे पास वो क्या होगा, या तो वो दो के हों, या वो चार के हों, या वो आठ के हों, या वो सोलह के हों। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी वैलिड है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ दो वन हो तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। और क्या मिसाल हो सकती है आपके पास, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके चार वन हो तो आप इनको जोड़ सकते हैं। तो ये तो हमारी बात समझ में आएगी कि ग्रुप्स कैसे बनेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है,
वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये समझें कि ये जो पूरी ग्रिड है ये एक मैप की तरह है। जैसे एक मैप रोल हो जाता है ना, रोल हो जाता है, तो ये रोल होके किस तरह होता है, ये वाला हिस्सा जो है इस हिस्से से मिल जाता है, ऐसे भी रोल कर सकते हैं ना, इस तरह भी रोल कर सकते हैं कि यहां से यूं जाए और वहां से ऐसे करके आ जाए, तो उसमें क्या होगा, ये रोल हो जाएगा और ये वाला हिस्सा जो होगा इस वाले हिस्से से जुड़ जाएगा। तो अगर आप इस हिस्से को, ये बिट्स को, और अगर इस बिट्स को देखें तो आपको पता चलेगा इनमें भी वन का डिफरेंस है। देखिए अब यहाँ 3 1 0, यहाँ पे क्या 2 1 2 0, 1 1 का डिफरेंस है या नहीं है, यहाँ 0 1 1 0 और यहाँ क्या 0 1 0 0, यहाँ भी 1 बिट का डिफरेंस है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इस तरह बिट्स हो तो आप इनका भी ऐसे सेट बना सकते हैं, ये भी पॉसिबल। अगर अब आप इनको इस तरह देखें कि ये बात, अगर मैप को मैं ऐसे रोल अप कर दूं कि मैं यहां से इसको लूं और यहां से इसको ले आके जोड़ दूं, तो क्या वो ये वाली रो इस वाली रो से जाके जुड़ जाएगी। तो अगर आप इस रो में जो वैल्यूज हैं और इस रो में जो वैल्यूज हैं इनको भी अगर आप कंपेयर करके देखें तो उनमें क्या 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी सूरत हाल हो तो मैं ऐसे भी ग्रुप बना सकता हूँ, ऐसे भी ग्रुप बना सकता हूँ। तो अब हम यहाँ देख लें कि भाई ग्रुप्स किस तरह बनेंगे और क्या होगा और किस तरीके से सारी चीजें होंगी। तो अब हम अपने अगले उसमें देखते हैं किस तरीके से हम जो है किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक काम और कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सारे वो कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ जो आपके बुक में भी मौजूद है, कि आपके लिए अगर कोई एक्सप्रेशन मिसाल के तौर पर अगर लिखा हुआ हो तो आप इसको यहाँ पे मैप कर सकें। तो वो किस तरह होगा, बहुत ही सिंपल है। 0 0 0 0, अब मैं ये पहले भी इनसे पहले हम पे कर सकें कि अगर A 1 है तो A बार क्या होगा, वो 0 होगा। अगर B 1 है तो B बार क्या होगा, ये 0 होगा। और अगर C 1 है तो C बार क्या होगा, ये 0 होगा। और D अगर 1 है तो D बार क्या होगा, ये 0 होगा। तो ये 4 0 है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, तुम्हारे पास ये बन जाएगा A बार B बार C बार और D बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थे ना A बार B बार C बार और D हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके सो ऑन सो फोर्थ, और हम यहाँ भी लगाएं A बार होगा B बार होगा और C होगा और D होगा। यहाँ क्या होगा, A बार होगा B बार होगा और C और D होगा। तो हमारे पास ये इस तरीके से ही बन जाएगी।